अबे हाथ लगा, अबे तू लगा, अबे हाथ तो लगा के दिखा, तू लगा। एक मिनट, क्या हो रहा है भैया? अरे सॉरी भैया, हमारी गलती थी। हैं? क्या गलती? गलती क्या? अरे भैया, वो चिंगारी गैंग को पता चल गया ना, तो यही ठोक देंगे दोनों को। मेरी भी गलती थी यार भाई, सॉरी यार, निकलते चलो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ पता भी है हम कौन है? आपको कौन नहीं जानता मैडम, आप करिश्मा मैडम हो ना, वो भौकाल वाली। भौकाल वाली नहीं भैया, बिना भौकाल वाली करिश्मा मैडम। अरे इनका भौकाल तो नहीं कि पुलिस स्टेशन में बैग पड़ा है। तुम्हारी मैया की सासू मैया, क्या बोले तुम हमारे बारे में? तुम्हारा भौकाल खत्म हो गया, भौकाल खत्म हो गया हमारा, क्या बोले तुम? क्या बोले तुम? हमारा भौकाल खत्म हो गया। अच्छा मैडम बोलते हैं। भड़ास निकालने का ये तरीका भी अच्छा है, मन मन में पूरा भड़ास निकाल लो, मजा सा आ गया। अगर इस थाने में FIR नहीं आई तो ये थाना बंद हो जाएगा। सोच ले, मैं फिर कहती हूँ, हमें चिंगारी गैंग के पास ही चलना चाहिए, वहीं मिलेगा हमें सही इंसाफ। हाँ हाँ चल, चिंगारी गैंग के पास चलते हैं। नहीं नहीं सुनिए प्लीज, रुकिए, यहाँ इस तरफ देखिए, हमें SHO हसीना मलिक, आप लोग प्लीज अंदर थाने में आइए, आपकी जो भी परेशानी है हमें बताइए, रिपोर्ट लिखवाइए, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कोई फायदा नहीं है मैडम सर, सुबह से हम भी यही कर रहे हैं, कोई पुलिस के पास आने के लिए तैयार ही नहीं है, सब भूल गए हैं कि हम सब ने इस शहर के लिए क्या क्या किया है। मैडम सर अगर केस नहीं आना तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम, हमें एक अदद केस का बहुत ज्यादा जरूरत है, और कैसे आएगा, कैसे कोई हमारी डूबती नैया को बचाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। खाला, खाला यहाँ क्या कर रही है? हसीना बेटा, हसीना बेटा। अरे खाला आप यहाँ कैसे? रिपोर्ट लिखवानी है, शीना छपी हुई है हमारे साथ, दो कंपक बाइक पर आए और हमारे गले से हमारे सोने की चेन छीन कर चले गए। क्या? अरे हमारी शक्ल क्या देख रही हो, रिपोर्ट लिखो ना। हाँ अब बैठिए, अब बैठिए। अरे क्या? क्या देख रहे हैं, गायब ख्याली बढ़ती जा रही है तुम्हारी, बचपन से हमारे साथ रह रही हो लेकिन ये नहीं जानती कि हमें कौन सा कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ओह वो सॉरी, वो हम भूल गए। खाला हमें पता है कि आपको ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक पसंद है। इकबाल ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ जाओ। ये है मेरी असली बेटी, शुरू से ध्यान रख रही है मेरा, तुम्हारी अम्मी ऐसे ही नहीं, तुम्हारी नहीं बल्कि इसकी दीवानी है। अरे तुम्हें पता है इसके तो मोबाइल के वॉलपेपर पे भी मेरी फोटो है। अच्छा दिखाओ बेटा। जाने दीजिए ना खाला, वो ठीक है। नहीं 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 दिखाइए ना, आप दिखाओ, दिखाइए। हाँ जी हाँ, आप लोग? नहीं वो उनको मॉल में शॉपिंग करना था ना, तो हमको लगा कि भाई अब थाना में तो काम है नहीं, तो हम साथ में चले जाते, तो वहीं फोटो वोटो हमने क्लिक कर ली। क्या कर रही हैं आप? हमारी फोटो ढूंढ रहे हैं हम। आप अभी भी यही खड़े हैं? अरे जाइए कोल्ड ड्रिंक लेके आइए हमारे लिए। आप कौन? अरे मैडम सर की खाला है वो। अच्छा आप बाहर रहते हैं क्या कहीं? कभी देखा नहीं इसके पहले। जी सहारनपुर में रहती है। क्या है ना मैडम सर की अम्मी जो है ना, वो अपने घुटनों के इलाज के लिए बाहर गई है, तो इसलिए उनकी खाला जो है वो मैडम सर के साथ रह रही है पिछले एक महीने से, ताकि वो मैडम सर का ख्याल रख सके। ओ, अच्छा अच्छा। बकैती हो गया सबका या फिर आधार कार्ड पूरा देख के जाओगे? नहीं जाओ ना फिर। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? देखो बेटा हम बाजार गए थे सब्जी लाने, तो हम सब्जी ले ही रहे थे, तो दो मुस्टंडे बाइक पर से आए पीछे से और हमारे गले में से हमारी सोने की चेन ऐसे खींच के चले गए। क्या? बाइक का रंग क्या था खाला? ऑरेंज। नहीं नहीं ऑरेंज नहीं, काला था। नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की। आपको पसंद है न? वो जो बाइक थे लुटेरे थे उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं?
एक मिनट करिश्मा सिंह। खाला एक बात बताइए, हमारी आंखों में देखकर जवाब दीजिएगा, सच में आपके साथ ये सब हुआ है या फिर आपको कहीं से पता चल गया है कि हमारे इस थाने को FIR की जरूरत है इसलिए आप मदद करने यहाँ आ गई? अपनी खाला पर शक कर रही हो? अपनी खाला है इसीलिए शक कर रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ हमारे लिए आई हैं तो प्लीज। देखो बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं हम, अरे तुम्हारी अम्मी ने दिया हुआ लॉकेट था वो, और तुम्हें तो पता है ना बेटा वो लॉकेट हमारे लिए कितना अजीज था। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जाने दीजिए ना आप खाला, हम आप पे विश्वास करते हैं, हमें पता है आप जो कह रही हैं वो एकदम सही है, आप सच बोल रही हैं। देखा ये है हमारी बेटी, पूरा यकीन करती है तुम्हारी खाला पर, और एक तुम हो कि अपनी ही खाला पर शक कर रही हो। पुष्पा जी रजिस्टर लाइए ना। जी जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम द स्पाई। कितने में पड़ा? अरे खाला 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 मिले, एक महीने से हमारा नहीं पड़ा है पाला। कितने में पड़ा? मैं तो यही पड़ा रहता हूँ, फ्री में पड़ा रहता हूँ, थाने के लिए समर्पित हूँ मैं। ये चश्मा कितने पड़ा? एक्सक्यूज मी खाला दिस इज नॉट चश्मा, खाला दिस इज गॉगला है, गॉगल है, 2000 में पड़ा। लूट गए, चूना लग गया। अरे बेगमपुर वाले मार्केट में ऐसे 200-200 रुपए पे पड़े मिलते हैं सड़क पे। आप बताइए ना उनका हुलिया, कुछ ऐसी बातें जो हमें उनसे पकड़ने में मदद करे, बताइए। मैडम सर हम जा रहे हैं तहकीकात करने, और छोड़ेंगे नहीं इन टोपा लोगों को जिन्होंने खाला के लॉकेट पे हाथ डाला है, खोद के निकालेंगे इनको और उनको बताएंगे कि इन्होंने किस मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाला है। तब तक आप DSP सर को फोन करके बता सकती कि हमारे पास FIR आ गया है, तहकीकात शुरू हो गया है, ताकि जनता का हमारे थाना पे वापस विश्वास बने। जी जय हिंद मैडम सर। पकौड़ा हटोगे? मैडम सर करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही, आप कीजिए ना फोन। हाँ अभी फोन करते हैं। DSP सर का फोन आ गया। जय हिंद सर। जय हिंद। हम अभी आप ही को फोन करने वाले थे, एक अच्छी खबर है आपके लिए। अच्छा, अगर हम गलत नहीं हैं, तो हमारे विचार से आपकी आवाज का आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि आपको FIR मिल चुकी है, और अगर नहीं मिली है तो हमारे विचार से आपको जल्द से जल्द चिंगारी गैंग से हाथ मिला लेना चाहिए। सर देखिए आप जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो पहले भी नामुमकिन था और अब भी नामुमकिन है, लेकिन आपका पहला गेस बिल्कुल सही था, हम एक FIR मिल गई है, करिश्मा सिंह ने तफ्तीश शुरू कर भी दी है, बहुत जल्द हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हम रखते हैं। जी सर जय हिंद। जय हिंद। अब सब ठीक होगा। ताई अरे क्या हुआ, क्यों छुप रही है विन्नी? अरे देखने तो दे। अरे इतनी अच्छी तो लग रही है, क्यों छुप रही है? तो ताई अब छुपाने को बचा के है, यो के करा रही है तू? इससे ज्यादा कपड़े तो हमारे गांव में पैदा हुआ बच्चे पहन लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे किसी की। अरे ताई कोई इतनी भी सुंदर ना लग रही हूँ मैं। चलो रे केक करा रही है ताई। सामने खड़ी हो जा ले। क्या कर रही है तू, आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रही है क्या? थोड़ा स्माइल कर। अरे प्यार से ऐसे पोज ले, ले फोटो की, चल, चल, मैं, चल, मैं दे, चल मैं दे रही हूँ पोज। ला अब चल फोटो दिखा मड़े। ओ भाई साहब चल अब आगे बता क्या करना है। तेरा फोन दे ले। Thank you.
ये गई तेरी फोटो इंटरनेट के सबसे पॉपुलर फ्रेंडशिप साइट पे। ये पकड़ तेरा फोन और जल्दी से अपनी पसंद के किसी लड़के को हेलो भेज दे। चल शुरू हो जा। रहता यो सब छोड़, तू यो बता थारे को कैसे पता इस साइट के बारे में? अरे प्यार के लिए कौन नहीं भटकता, चार प्रोफाइल मेरे भी है इसी साइट पे अलग अलग नाम से। रहता यो के करिए तो इस बुढ़ापे में बुढ़ी होगी तू। ये देख, ये देख। ताई, तू तो घनी चालू चीज निकली। चुप कर, तू भी अपना काम कर जा। What happened? ले, ले देख। तुम्हारे फैलाए हुए रायते का साइड इफेक्ट आ गया। मैसेज आया है किसी का, पढ़। किसका मैसेज आया? पढ़, 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 पढ़। अरे क्या लड़की है, क्या नाम इसका? बबीता बब्बू। ओ, खूब के देखनी चाहिए। ए, तू क्या देख रहे? थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो आधा ही काफी है। क्या बोला था तुम हमसे? इस एप्लीकेशन पर, इस डेटिंग साइट पर खाली वही लोग आते हैं जिनका दिल टूटा होता है। ध्यान से शकल देख इसका, शकल देख, कहां से लगती है कि इसका दिल टूटा हुआ होगा? हमको तो लगता है इसके चक्कर में कई लोगों का माथा उथा फूटा होगा। नहीं, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ आवाज आई थी। बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो। नए टुकड़े मिले तो पता चले ना यार। बस कर रे, बस कर रे, गुलजार साहब के रसोई के झाड़न। कभी तो ठीक बोल, हमेशा बेहुदा फालतू गिर करता रहे। तूने मुझसे वादा किया था ये डेटिंग ऐप एक बार तो आजमा कर देखेगा। बिल्ले झूठ रहे, हम वादा कभी नहीं किया, झूठ बोल रहा है। तुम भूल गए हो चीते, तुम भूल गए हो, पलट मत जाना। तुमने वादा किया था, हाय भेज दे, हाय भेज दे। अरे क्या भेज दे, हाय भेज, हाय भेज, हाय भेज, हाय नहीं भेज रहे इसको। अरे चिट्टा, इतना बोल रहा है भेज दे। माँ कसम करो, मुझे मौका मिलता ना तुम्हें दिन भर काम धंधा छोड़ के हाय 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 भेज। एक सेकंड, हमको दो। रे, 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 क्या ये भी कोई वायासी लड़की, इसको कौन हाय भेजेगा? रुको, इसको अपने प्रोफाइल से हम नॉट इंटरेस्टेड मैसेज करते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, हम नॉट इंटरेस्टेड है। ये देखो, बिरयानी पके नहीं कि हड्डी चूसने आ गए या कबाब में हड्डी बनने के लिए। निकलो यहाँ से। ए, तू भेज, किसी की बात मत सुन। तू हाय भेज, नहीं भेज, मत कर, मत कर, हमको हाय भेज, मत भेज। ये कौन है? ये बाप रे, चल ना। सर, सर एक सवाल प्लीज। सर, 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 डीएसपी साहब, क्या ये सच है कि थाना बचाने के लिए थाने के लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों से एफआईआर लिखवा रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है डीएसपी साहब? पुलिस जैसे कैसे सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंक सकती है? ये तो चीटिंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर चुप क्यों, जवाब दीजिए प्लीज। सर, 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 जवाब दीजिए। सर, 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 बोलिए सर प्लीज। सर कहाँ जा रहे हैं? सर, सर जवाब दीजिए। हसीना मलिक, हसीना मलिक, कहाँ हसीना मलिक? जय हिंद सर। जय, आ गई, आ गई। जय, जय हिंद। क्या हुआ? जय हिंद। आपको पता है आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? तो देखा आपने कैसे हमारे शहर का सुरक्षा तंत्र हमें ही धोखा दे रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हमसे कहते हैं कि एफआईआर आ रही है, लोकल थानों पर आम जनता का भरोसा अब वापस आ रहा है, जबकि पुलिस खुद ही अपने लोगों से एफआईआर करवाकर आम जनता को धोखा दे रही है, लोगों को झूठे भ्रम जाल फंसा कर अपनी गर्दनें बचा रही है। लेकिन ये आम पब्लिक है साहब, जनता सब जानती है, थाने में आने वाली एफआईआर झूठी है। आपको जवाब देना होगा और हर बार की तरह मैं आपका कोई झूठ नहीं सुनूंगा, ये बात समझ लो आप। मैंने हमेशा आप लोगों की बात मानी, मानी है कि नहीं मानी? जब मानी है तो आप भी मेरी बात माने ना, है? मानती क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं कह रहा होता हूँ कि कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं? सर, सर, सर देखिए ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को एक सनसनी खबर बनाने की ये मीडिया की सिर्फ एक ट्रिक है सर, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना सर कि ये मीडिया वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस यही हो रहा है यहाँ पर सर। हम सब जानते हैं, तब तो आप ये भी कहेंगी ना
कि आपके थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई? जी सर, हमारे थाने में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, ऐसा हम कभी होने ही नहीं दे सकते। वाह, तब तो जो रिपोर्ट लिखाने वाली थी वो आपकी रिश्तेदार नहीं, आपकी खाला। आप जो कह रही हैं, मतलब आपकी वो खाला नहीं है? है सर, वो हमारी खाला हैं और उनके साथ ये चेन स्नैचिंग का केस भी हुआ है, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है सर। अरे हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात मान कैसे लें, हमें बताइए भला। सर क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए सर, हम हमारी तफ्तीश बिल्कुल जारी है, हम बहुत जल्द चोर को पकड़ भी लेंगे और मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे भाई, तब तो मीडिया बड़े आराम से उसे पुलिस का आदमी मान लेगी और पुलिस के ही झूठ की अगली कड़ी मान लेगी, हम सब जानते हैं। सर अब हम क्या करें, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सर। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना अपनी खाला को कि नहीं, आपका केस हम नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारी खाला हैं और इस बात से मीडिया और जनता को बुरा लगेगा। अब अगर यहाँ कोई कंप्लेन करवाने आएगा तो हमें FIR दर्ज तो करनी होगी, और वही किया है हमने सर। और करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं, उनकी तफ्तीश से हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और मीडिया वाले गलत। वाह क्या बात है, करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही है। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही है, तब तो भाई हमें यहाँ पे करिश्मा सिंह के तफ्तीश का जायजा लेना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेरी समझ भी नहीं आ रहा है, किस महिला थाने के हर कुर्सी में कील क्यों गड़ी हुई है? कीले नहीं है सर, ये पुष्पा जी का विश्वास है, उन्होंने ही ये हर जगह कीले लगाई है ताकि हमारे जो थाने का बुरा ग्रह है वो टल जाए, अच्छे दिन वापस आ जाए, एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए और FIR आने लगे, इसलिए उन्होंने हर जगह कील लगा दिया है। सर सर हमें माफ कर दीजिए, वो क्या हुआ ना, वैसे देखा जाए तो एक ही कुर्सी में कील लगाई है और आप बार बार उसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे थे कि आप उस कुर्सी पर ना बैठे इसलिए कुर्सी बदल रहे थे, मगर आप जाकर बार बार उसी कुर्सी पर बैठ गए, इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, हम बेवकूफ है। हाँ? अरे हम बेवकूफ नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर आप सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, मीडिया की बातें नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो करिश्मा जी बताइए, क्या तफ्तीश किया आपने, जल्दी बताइए। जी सर, हमने वो आना किया घटनास्थल का जहाँ खाला ने बताया था कि उनके साथ वो घटना हुई थी चेन स्नैचिंग की, पर सर हमने वहाँ का CCTV फुटेज भी देखा, हमने आसपास लोगों से भी पूछा, ना तो हमें CCTV फुटेज में कुछ मिला और ना ही वहाँ के आसपास लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने भी ऐसे कोई घटना होते हुए नहीं देखा है। जस्मदीद वहाँ पे मिलेगा कैसे, जब वो घटना घटी ही नहीं तो वहाँ पे कैसे कोई कुछ मिल जाएगा? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस झूठी FIR पर इंक्वायरी बैठेगी, और अगर ये साबित हो गया ये झूठ है तो आपकी खाला को जेल में ठूस दिया जाएगा, और अगर ये साबित हो गया ना कि सब किया धारा आप लोगों का है, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके इस थाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ये सब क्या है, झूठी रिपोर्ट लिखवाई खाला ने, क्यों, किस लिए? तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहाँ कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, एक या तीन? दो। ठीक से याद करके बताइए कितने थे। नहीं याद करने की क्या जरूरत है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। दो थे। बहुत
बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपका याददाश्त इस उम्र में भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो आपका वो अच्छा याददाश्त है उस पर थोड़ा और जोर लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था। देखिए नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? देखिए खाला जी आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो थाना में FIR लाने के लिए, थाना को बचाने के लिए।